नमस्कार, तो रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कुछ महीनों पहले एक पोस्ट देखा हमने जो कि एसपीबी बालासुब्रह्मण्यम की ओर से आया था, जो कि आया था 18 मार्च 2018 को। एक वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइज किया गया था उनके खुद के सुपुत्र जिनका नाम है एसपी चरण, जो कि 50वीं सालगिरह के मौके पर इन्होंने अमेरिका, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई और भारत समेत तमाम और कई कंट्रीज़ में अपने म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जहां पर 3-4 जगह ये परफॉर्म कर चुके थे। अचानक से इनको इलैयाराजा जी के ऑफिस से एक नोटिस आता है, एक लीगल नोटिस आता है, ये कह के कि ये जितने भी आप गाने गा रहे हैं ये सारे कॉपीराइटेड हैं इलैयाराजा की ओर से, और इन गानों को, इन जो ये जो संगीत है इसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके संदर्भ में जो है एसपी बालासुब्रह्मण्यम ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और उन्होंने ये चीज़ लिखी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आप लोगों से, मैंने तमाम जो गाने एस इलैयाराजा की ओर से गाए हैं, लेकिन जब ये इस तरह का मुझे एक नोटिस मिला है इसके बाद मेरा उन गानों को गाना सही नहीं लगता है। इलैयाराजा जी की ओर से जब ये नोटिस इनको मिला इसके बाद इन्होंने उनके गाने गाने से इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं किया, तमाम लोग, दर्शकों को, तमाम इनके फैंस को उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ इलैयाराजा के गाने ही नहीं गाए हैं, मैंने तमाम और कई सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस के लिए गाने गाए हैं, तो मैं उनके गाने परफॉर्म करने वाला हूं, कृपया करके वहां पर यानी कॉन्सर्ट्स पे इलैयाराजा जी की फरमाइशें ना रखें, क्योंकि इस इलीगल नोटिस के बाद मैं इन गानों को नहीं गा सकता हूँ। खैर, अगर आप अमेरिकन म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर शायद ऐसा ही होता है, जहाँ पर हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर अपने गानों का एक कॉपीराइट रखता है। अगर आपको उन गानों को गाना है, अगर आपको उन गानों को इस्तेमाल में लाना है, तो आपको उस म्यूज़िक कंपोज़र को बेशुमार पैसा देना पड़ता है और तब जाके उन गानों की कॉपीराइट आपको मिलती है। अगर आप कॉपीराइट के हिसाब से देखें तो ये बात एकदम सही बैठती है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को लें, स्पेशली जो तमिल इंडस्ट्री को लें, तो ये दोनों जो स्तंभ हैं, यानी एक तरफ एसपी बालासुब्रह्मण्यम और दूसरी तरफ इलैयाराजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के, ना सिर्फ तमिल इंडस्ट्री के बल्कि हम तो ये कहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी। अगर आप इलैयाराजा जी के बारे में जानते हैं तो आखिर जो उनका एक पा नामक फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन के लिए इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ, और एक ज़माना ये था कि आप सलमान खान के तमाम हिंदी गाने सिर्फ और सिर्फ एसपी बालासुब्रह्मण्यम ही गाते थे। यहाँ पर बात ये आती है कि हिंदुस्तान भी क्या उसी चलन में जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री एक बहुत ही अलग इंडस्ट्री है। जो तमिल इंडस्ट्री, तमिल म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर आप बात करें या फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे अगर आप बात करें, ये बहुत ही क्लोजली नेट इंडस्ट्री है। यहाँ पर उतना ही हक एक गायक को भी होना चाहिए जितना कि एक म्यूज़िक कंपोज़र को होता है, क्योंकि जब एक वर्ल्ड और एक रेनाउंड म्यूजिशियन, एक रेनाउंड गायक जो है एक दुनिया भर का वर्ल्ड टूर करता है, उस समय इस तरह का लीगल नोटिस भेजना हमारे ख्याल से सही नहीं है। इलैयाराजा जी और एसपी बालासुब्रह्मण्यम साहब के बीच में जल्दी सुलह हो, इस बारे में और भी तमाम जो म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं या फिर गायक हैं इनके बीच में एक अच्छी दोस्ती, एक जो बनी रही है इतने सालों से, वो बरकरार रहे, हमारी एक शुभकामनाएँ हैं। हम भरोसा रखते हैं कि इलैयाराजा जी के जितने भी वो तमाम गाने हैं जो एसपी बालासुब्रह्मण्यम साहब ने गाए हैं, वो दोबारा से गाएंगे, दोबारा से इसी तरह के एक वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, और इन दोनों की जो एक एक जुगलबंदी थी वो हमको जल्द सुनने को मिलेगी। बने रहे हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।